बाबा वो विकी आ जाओ। हाँ आना बैठना, देखे उसको। तू नहीं जा रही है मतलब नहीं जा रही है, और विकी को बता। तुम्हारे साथ एक सिक्योर लाइफ घंटा सो सकती हूँ मैं। चल कॉफी बस तो बैठे क्या को 5 मिनट जो रुके ना तो ब्याज बढ़ जाएगा तुम लोगों पर। अभी बच्चे ना तो एक ड्राफ्ट पढ़ दूंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एंटरटेनमेंट फर्स्ट में, और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास टीम से, और वो टीम है चाय स्टोरीज की। जी हाँ, चाय की चुस्कियों से एक सफर शुरू हुआ और अब वो काफिला बन चुका है 150 से ज्यादा शॉर्ट मूवीज का। उनके तमाम जो सितारे हैं, खास सितारे जो हैं, वो इस समय हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं, और उसकी आने वाली जो मूवीज है, आने वाली जो वेब सीरीज है, उसका नाम है 18+ जॉब सीकर्स। तो क्या है 18+ जॉब सीकर्स और किस तरह से इसमें इन लोगों ने काम किया है और आप तक ये क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा राघव दीवान जी का, जो कि चाय स्टोरीज से हैं, अंजलि अहिरवार जो कि एक खूबसूरत अदाकारा है, और साथ ही साथ अभिनय सोनी जिनके अभिनय से तो पूरी दुनिया काफी तारुफ रखती है। तो आप सभी का स्वागत है इंडिया फर्स्ट के इस खास प्रोग्राम एंटरटेनमेंट फर्स्ट में। सबसे पहले राघव, आपसे जानना चाहेंगे वेब सीरीज होती क्या है। बेसिकली सर, आपने देखा होगा कि सीरियल्स हम लोग देखते हैं टीवी पे, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। बट इसकी कुछ खासियत है कि आप कहीं भी देख सकते हैं, आप ट्रेन में देख सकते हैं, मेट्रोज में देख सकते हैं, आप बस में देख सकते हैं। आपको कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं देना है कि 9 बजे रात को इतने इतने चैनल पे ये आ रहा है, सो वैसा कुछ इसमें नहीं है। अपेरेंटली इसमें वो कॉन्टेंट होता है जो आप टेलीविजन पे आमतौर पर नहीं देख सकते। हम वो मुद्दे उठाते हैं इसमें जिन पे जो रेगुलर फिल्म मेकर्स या रेगुलर सीरियल मेकर्स हैं वो नजर नहीं डाल सकते, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, क्योंकि काफी सारे इसमें लीगैलिटीज होती हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। So that is web series. और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज में ये भी रहती है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आते बीच बीच में। हाँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं आते या बट फॉर द सपोर्ट हम लोग एंडोर्समेंट जरूर लेते हैं लोगों के, हम लोग उनका सपोर्ट लेते हैं, हम उन्हें इन फिल्म ब्रांडिंग देते हैं, बट हाँ एड्स नहीं रहते हैं और इसके ड्यूरेशन भी कम ही रहते हैं। आपको अगर एड्स की बोरियत से बचना हो और आपको सीरियल देखना हो तो वेब सीरीज आपके लिए बहुत ही शानदार जो है चीज है। तो राघव ने बताया कि वेब सीरीज दरअसल वो सीरियल्स होते हैं, टीवी सीरियल्स जैसे ही होते हैं, लेकिन ये इंटरनेट पर होते हैं, यानी कि वेब पर होते हैं, और खास बात ये रहती है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो अगर हमको आगे बढ़ाना हो तो आगे बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन ये जैसे टीवी सीरियल्स में हम लोग तमाम जो लाइट्स, वो कैमरा, एक्शन और तमाम मेकअप आर्टिस्ट, वो तमाम एक बड़ा तामझाम रहता है, तो क्या वेब सीरीज में जब आप इस तरह के सीरियल्स बनाते हैं, इस तरह की सीरीज बनाते हैं, उसमें भी इस तरह की तामझाम रहते हैं सर? इसमें तामझाम भी रहते हैं, चैलेंजेस और ज्यादा होता है एक्चुअली टीवी से, क्योंकि हमें नर्व्स पकड़नी पड़ती है कि क्यों अपना डेटा पैक खर्च करके 5 सेकंड या 5-10 सेकंड के लिए एक बंदा आपको देखेगा, और उसके पास ऑप्शन है कभी भी क्विट करने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, डेटा पैक, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। So, क्यों अपना बैलेंस इन्वेस्ट करेगा, है ना, वो टाइम भी इन्वेस्ट कर रहेगा, तो वो सारी चीजें, वो नर्व्स हमें स्टार्टेड फ्रॉम द कंटेंट राइटिंग आइडिएशन जब हम करते हैं, हमें वहां से ये चीजें फिक्स रखनी पड़ती है कि क्यों ऐसा करेगा बंदा, हमें खुद एक ऑडियंस बन के वो चीजें इमेजिन करनी पड़ती है। राघव, आप बता रहे थे कि आपने मुंबई में भी काम किया, पृथ्वी थिएटर से भी आप जुड़े हुए हैं, और काफी कम उम्र में आपने मुंबई में वहां पर काफी कुछ एक्सपीरियंस लिया, वो एक्सपीरियंस और अब भोपाल में आप ये वेब सीरीज बना रहे हैं, क्या डिफरेंस आप पाते हैं? डिफरेंस बहुत है। बॉम्बे में अगर मैं हम यही चीज करना चाहते हैं तो हमारे लिए, क्योंकि अभिनेवी से बिल्कुल वाकिफ रहेंगे, हमारी टीम भी रहेगी, कि बहुत टफ है वहाँ पे हर चीज का हमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे हमें सपोर्ट सिस्टम बहुत मिलता है, क्राउड सोर्सिंग पे बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं हमारे, लोकेशंस बहुत फ्रेंडली तौर पे हमें मिल जाती हैं, ये सारी चीजें हैं। कॉस्टिंग
प्रोडक्शन कॉस्ट तो बचती ही है यहाँ पे हमारी. अपेरेंटली यहाँ पे हमारी चीज़ें बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहती हैं. वहाँ पे बॉम्बे में अगर हम डेट्स ले लें किसी की या लोकेशंस हम फ्रीज कर दें तो उस दिन पे हमें करना ही होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें इंस्टेंटली चीज़ें अरेंज हो जाती हैं. एक इंडी फिल्म मेकर का सीन जो होता है वो यहाँ पे हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं. 18 प्लस जॉब सीकर्स जो कि आपकी वेब सीरीज का नाम है, दरअसल अंजलि हमें बता रही थी. अंजलि, 18 प्लस जॉब सीकर दरअसल है क्या, कंसेप्ट क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ फ्रेंड्स हैं जो परेशान रहते हैं अपने करियर को लेके. जैसे नॉर्मली देखा जाए तो हर स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने या डिग्रीज लेने के बाद काफ़ी परेशान रहता है जॉब्स को लेके कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि काफ़ी जॉब्स की प्रॉब्लम्स रहती है. सेम यही चीज़ हम इसमें दिखा रहे हैं. मैं हूँ, जैसे मैं एक लड़की हूँ जो काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग है, लेकिन वो जो डिजर्व करती है उतना उसको मिल नहीं पा रहा, तो वो स्ट्रगल कर रही है उस चीज़ को लेके. अभिनय जो है वो उसको तो जॉब का कोई उसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो सिर्फ इंटरव्यूज दे रहा है, परेशान हो रहा है. ये एक ऐसा बंदा है जो कि ये भी एक तरह से जॉब ही है उसकी भी, हालांकि वो कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी इंडस्ट्री में नहीं. मेरा बेसिकली कैरेक्टर ऐसा है कि मैं एक अमीर बाप की औलाद हूं, बिगड़ी हुई, और मुझे नौकरी करनी नहीं है. मुझे लग रहा है कि 18 प्लस डजंट मींस तो एडल्ट तो नहीं ना, ऐसे एडल्ट वाला तो चक्कर नहीं था. इट्स फॉर यंगस्टर्स. आइडियली हमारे इंडिया में माना जाता है कि 18 के हो गए भाई नौकरी कर लो, कुछ एक करियर के बारे में सोचो या कॉलेज में जाओ, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करो. सो दैट्स व्हाई 18 प्लस जॉब से का. ओके, अभी नहीं आपसे बात करेंगे. ये कंसेप्ट जो है ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है. मुझे लगता नहीं कि किसी वेब सीरीज ने या चाय स्टोरी ने जो इस पर काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है. ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और क्योंकि बहुत ही युवाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि जो 18 प्लस जॉब सीकर का हमने कॉन्सेप्ट लिया था, ये मतलब जो वेब सीरीज बनी है इंडिया की, मतलब ऐसी फर्स्ट वेब सीरीज है जो जॉब सीकर्स के लिए ऊपर बनी है. और इसका आइडिया ऐसा था कि वेब सीरीज, हम इसके पहले भी एक वेब सीरीज बना चुके हैं और वेब सीरीज का मार्केट अभी अच्छा खासा यूथ मतलब बहुत उसे लाइक कर रहा है वेब सीरीज को. शॉर्ट फिल्म, हम शुरू से शॉर्ट फिल्म पे काम करते आ रहे थे, पर हमने सोचा कि वेब सीरीज बनाते क्योंकि वेब सीरीज में कनेक्टिविटी रहती है. ऑडियंस मतलब जिसने पहला एपिसोड देखा उसे इंटरेस्ट आया तो सेकंड और थर्ड फोर्थ जितने भी एपिसोड है वो देखेगी ऑडियंस, एक कनेक्टिविटी एक ट्विस्ट के साथ अगर हम प्रेजेंट करते उसे. तो यही आइडिया था हमारा कि एक वेब सीरीज बनाते हैं और ऐसा कुछ बनाते हैं जो अभी तक बना नहीं है. वेब सीरीज ढेर बन चुकी है अपने इंडिया में, इंटरनेशनली सब जगह कुछ ग्रुप्स है वो भी अच्छे खासे काम कर रहे हैं. तो हमने सोचा कि कुछ अलग बनाते हैं, सबसे हटके बनाते हैं जिस पे अभी तक कुछ ना बनाओ. तो वही हमें आइडिया आया था कि जॉब सीकर के ऊपर. देखिए बेरोजगारी जो है एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहता है और हमारे देश में जब क्योंकि वी आर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास यूथ की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब. उस नब्ज को आप टटोल रहे हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं, क्या लगा आपको कि क्या जॉब की कमी है या यूथ उसके बराबर नहीं आ पा रहा है या खुद को फेस नहीं करा पा रहा है, आपकी क्या फाइंडिंग रही? जॉब सीकिंग इसलिए हमने लिया जैसे कि एक इमोशनल टच भी रहता है कि जैसे एक हर चीज में एक स्ट्रगल रहता है. जैसे कोई एक्टर बन रहा है तो उसकी लाइफ में एक स्ट्रगल है, सब चीज में एक स्ट्रगल है, कोई आसानी से कोई चीज तो होती नहीं है. तो एक इमोशनल टच ऐसा रहता है कि जैसे कि आपने भी, मैं आपसे भी मतलब पूछना चाहूंगा कि मतलब जैसे कोई आपने फर्स्ट जॉब की, जिसने भी फर्स्ट जॉब की फर्स्ट सैलरी मिली तो उसका एक इमोशनली अटैचमेंट रहता है कि फर्स्ट सैलरी मिली भले छोटी मोटी कुछ भी मिली. मुझे भी जैसे मिली थी, मैं 2-3 साल पहले की बात है, छोटा सा मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का थोड़ा छोटा सा काम किया था, 1000 रुपये मिला मुझे मिला था. 1000 रुपये मतलब कि बहुत बड़ी बात थी कि पहली कमाई से अपनी खुद की मेहनत से मिली है. तो एक इमोशनल टच रहता है, स्ट्रगल रहता है कि कैसे क्या जॉब फाइंड कर रहे हैं अपन, क्या हो रहा है रिलेशन में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है फैमिली, क्या क्या दिक्कत हो रही है, रहना वहना सारी चीज़ें दिक्कतें होती है. इसलिए हमने ये सोचा कि इस स्ट्रगल को दिखाया ऑडियंस को, क्योंकि आजकल जो भी यूथ है सब फेस कर ही रहा है ये चीज़. ऐसा तो है नहीं कि मतलब, तो उनका स्ट्रगल उनसे रिलेट होगी, यूथ से ये चीजें रिलेट होगी तो लोग और ज्यादा पसंद करेंगे. ये पहला एपिसोड राघव में आपका है, इसमें आपका क्या करेक्टर है और इसमें इस वेब सीरीज में क्या कुछ दिखाया गया है? सर अगर जॉब सीकर्स को देखा जाए तो हमने 3 कैटेगरीज डिफाइन की जब हम रिसर्च पे गए. एक वो जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक वो जो नौकरी ढूंढ चुके हैं अच्छी एक पोस्ट में कॉर्पोरेट में लेकिन किन्हीं कारणों से शिफ्ट होना चाहते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों रीजन है. और तीसरे वो जो नौकरी वोकरी करना नहीं चाहते, एक बड़ी अमीर बाप की औलाद है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी घर से, बट एक प्रेशर सडनली उन पे आता है और दे स्टार्टेड फाइंडिंग अ जॉब फॉर देमसेल्फ जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ कि यार मैंने कुछ करना है अभी, नहीं तो घर से निकाल दिए जाएंगे. तो ये 3 कैरेक्टर हमने इसमें पोर्ट्रे किए. मेरा कैरेक्टर ये तीसरा वाला है जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है. सर हमने जो एपिसोड में पोर्ट्रे किया है वो काफी हद तक फिक्शनल है, बट उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ है. जब तक हम फिक्शनल नहीं करेंगे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑडियंस को कि कितना इमोशन होता है. अगर सर देखा जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, घर में खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, सैलरीज नहीं है, डिग्री लेके बैठे हैं, 5 साल 10 लाख 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं. सो हमें आइडिया आया था jawala.com जो हमारे प्रेजेंटर है उन्होंने हमें ये बताया था कि कुछ फैक्ट्स उन्होंने
दिए थे, जब आप देखेंगे या ऑडियंस हमारी जब ये देखेगी तो उन्हें दिखेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं नौकरी लेने गया था मुझे भी निकाला गया था या मैं भी इतना अग्रेसिव हो गया था। दो पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा पर्सनली जो हमें लगता है कि इफ यू रियली वांट अ गुड करियर, अगर जिंदगी में आप चाहते हैं तो पेशेंस आप में होना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक्टिंग में हो, आप डिजाइनिंग में हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, खुद को अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है आपको और पेशेंस आप में होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग है यहाँ पर अंजलि, पेशेंस और अपग्रेडेशन आप जो राघव ने बताया, आपका क्या करेक्टर है इस मूवी में? इसमें मेरा एक ऐसा करेक्टर है जो अच्छी खासी जॉब में है लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं इसके ऊपर कि भाई मैं ये नहीं करना चाहती है, जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे उससे उतना ही चाहिए और वो उस माहौल में जो है ना एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक तरह से स्ट्रगलर ही है। ये अपनी एक अच्छी खासी नौकरी के बाद भी वो एक स्ट्रगल पीरियड में चल रही है। हमने टीजर देखा था उसमें आप गाली भी बक रही है तो क्या हुई फ्रस्ट्रेशन के लिए आप गाली बक रही थी? हाँ उसे फ्रस्ट्रेशन है उस बंदी का, एक लड़की का जो है, काफी लड़कियां जो परेशान रहती है अपनी जॉब्स को लेके लोग हैरेस करने की या कुछ ऐसा कोशिश करते हैं तो प्रेशर में रहती है। और जो गाली की आप बात कर रहे हैं ये चीज जो है ट्रेंड में है काफी, इनके काफी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं जिसमें लड़कियों ने बिल्कुल बेधड़क होके एक्टिंग की है, गालियां दी हैं और बहुत एक रोल रिक्वायरमेंट आई थिंक, हां रोल रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट ऑन डिमांड थी ये। तो पहले मैंने इस तरह पहली बात तो ये कि मैंने कभी किसी को मन में भी गाली नहीं दी, तो इसमें मैंने लोगों को बोले कि भाई रीटेक होने वाले हैं आप लड़ी रहो इस चीज के लिए, तो मैंने कोशिश की। पर्सनल डिस्क्लेमर यहाँ पे अंजलि दे दी कि मैं गाली नहीं बकती हूँ, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रीन उन्होंने गाली यहाँ पे बकी है। हाँ। चले जिसे भी गाली बकी हो, लेकिन क्या लगता है आपको, अभी आपने एक बात कही कि कहीं ना कहीं जॉब जब करते हैं खासतौर पर लड़कियां तो उनको काफी शोषण का शिकार होना पड़ता है, कि दिस इज, डू यू थिंक दिस इज अ रियलिटी नाउअडेज? हाँ कहीं ना ये रियलिटी भी, ऐसे नहीं कहते कि हम लोग एक एक्टिंग फील्ड में है तो सिर्फ यही ये चीज होती है, क्या होती है लोगों की मेंटालिटी है कि भाई ये कहाँ जा रहे हो, इस चीज में ये चीज गलत है, ये फील्ड गलत है, आप ये मत चुनो, आप कुछ और करो। लेकिन आज ऐसा है कि सिर्फ इस फील्ड में ही नहीं और भी जगह हो रहा है, हो रहा होगा काफी, देखा है सुना है मैंने, बाकी लड़कियां परेशान रहती है इस चीज को लेकर, प्रेशर रहता है भाई प्रमोशन चाहिए आपको तो You have to do this. अगर आपको एक्टिंग फील्ड में आपको एक ब्रेक चाहिए तो यू हैव टू डू दिस, लेकिन लोगों की ये मेंटालिटी बन चुकी है क्योंकि अगर आपके साथ बुरा होना होगा तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। अच्छा एक जनरल परसेप्शन है और ये सवाल काफी बार पूछा भी गया है, क्योंकि वेब सीरीज है आप काफी यंग है आप तीनों, क्या लगता है आपको कि इस लाइन में अगर किसी लड़की को रहना है एक्टिंग की लाइन में तो उसको स्मोक करना पड़ेगा, बंदों के बीच में गाली बकने पड़ेगी और खुद को ओपन दिखाना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि एक नेसेसिटी है? और जब ये वेब सीरीज आप ये कर रही थी तब आपको इस सब चीजों से दो चार होना पड़ा? नहीं ऐसा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज जरूरी है। सबसे पहली चीज है डेडिकेशन, आप अपने वर्क के लिए जितना डेडिकेट रहेंगे आपके चांसेस रहेंगे बिल्कुल। और ये सब चीजें कि ओपन होना, सिगरेट स्मोकिंग लाइक ये सब चीजें, ये एक मेंटालिटी है लड़कियों की, अरे भाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अपना वर्क करना है, आपका 100% देना है आपको, और ये जो ये सिर्फ शो ऑफ के लिए होती हैं ये चीजें, लड़कियां खुद पहले नहीं करती हैं बाद में कई बार करने लगती हैं या स्टार्टिंग। क्यों शो ऑफ करती हैं ऐसा, क्यों, किस लिए करती हैं? कि भाई देखो मैं इतनी ओपन हूँ, आप मुझे जिस भी तरह का कैरेक्टर देंगे मैं कर लूंगी, जबकि ऐसा नहीं। एक जो आर्टिस्ट होता है वो जो काम करता है वो एक अलग चीज होती है, और जो वो खुद में होता है वो एक अलग चीज होती है। आप अपने आप को हर एक कैरेक्टर में कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हो बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कैरेक्टर है आप, मैं भी वही हूँ जो मैं कैरेक्टर कर, मैंने एक कैरेक्टर किया जिसमें अब्यूजिंग है, गाली है, एक्चुअल में मैं ऐसी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन लोगों ने मुझे बताया कि भाई आपको ऐसा कैरेक्टर करना, पहले मैंने सोचा कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन मुझे पता था मैं एक्चुअल में ऐसी नहीं, हालांकि स्ट्रगल वही थी। तो जो उसका पॉजिटिव पॉइंट था कि लड़की स्ट्रगल कर रही है, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने स्ट्रगल की, तो वो पॉइंट पकड़ा मैंने। और जहां तक गाली की बात है तो इनके काफी मैंने देखी चीजें बिल्कुल। अभी नहीं आपसे जानना चाहेंगे, 150 से ज्यादा जो शॉर्ट या वेब सीरीज जो है वो चाय स्टोरीज बना चुकी है, और काफी मैंने आपकी देखी है शॉर्ट मूवी जिसमें आपने काम किया है, अभिनय किया है आपने, आपके नाम के अनुरूप। जॉब सीकर्स का ये जो वेब सीरीज है उन तमाम जिन पे आप पहले काम कर चुके हैं, कितना अलग आपने देखा और कितना चैलेंजिंग था? जॉब सीकर 18+ जॉब सीकर इसलिए अलग है क्योंकि हमने शुरू से लेके अभी तक, मतलब हमने शुरू चाय स्टोरी शुरू इसलिए किया था कि हम जो लोगों के बीच में सोशल इश्यूज है, सामाजिक जो भी बुराइयां कहते हैं, कुछ भी चीजें हैं, वो हम एक फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे विद सॉल्यूशन।
मतलब कई फिल्में आई हैं जिसमें सोशल इशू उठाया गया है बट सिर्फ इशू दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन नहीं दिखाया गया। तो हमारा मोटो ये था कि हम स्टार्ट करें एक सोशल इशू को लेके, सारी चीज, सारे सोशल इशू जिसमें सारे जॉनर कवर हो जाए, अपना ये लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और ये हो गए दहेज प्रथा वगैरह जो भी इशू रहते हैं। तो हमने इन सब पे भी फिल्में बनाई, शुरुआत हमने इससे की। इन सब पे फिल्में बनाने के बाद मैक्सिमम हमने सोशल बनाई, फिर हमने सोचा कि नहीं यार ऑडियंस एक एक चीज देख के बोर ना हो जाए, इसलिए हमने सारे जॉनर कवर किए। हमने एक्शन से लेके रोमांटिक हॉरर सारी फिल्में बनाई। और जॉब सीकर इससे मतलब एक ये भी बुराई मतलब वही है, सोशल इशू ही टाइप का है कि जॉब नहीं मिलती, बेरोजगारी टाइप की। तो ये हमने लोगों तक रिलेट करने के लिए कि ऑडियंस ये देखे ये पसंद करे, क्योंकि अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया ये चीज। तो हमने सोचा कि हम इनिशिएटिव लेते हैं, ये बनाते हैं। बड़ा इनिशिएटिव है। लेकिन राघव आप दीवान भी हैं, दीवान का काम है खजाना। तो इनिशिएटिव लेने के लिए जो है जो पैसा जो लगती है, रसद लगती है, आपको लगता है कि काफी काफी यंग लोग हैं आप, इतना पैसा आप लोग कहाँ से जनरेट करेंगे? सर हम कहाँ से करते हैं, इसमें ये एक अलग लेवल का स्ट्रगल था खुद को एक उस चीज पे लाना कि यार ये बनाना है। और हमें D1 पे पता होता है, एक फिल्म मेकर को या एक प्रोड्यूसर को पता होता है कि बस इसमें इतना पैसा लगना है। सारे सेम हमारे साथ था कि हमें पता था कि हमें इतना तो लगाना ही है। सो मोस्ट ऑफ द चीज हमने क्राउड सोर्सिंग से की। क्राउड सोर्सिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, अगर कोई भी फिल्म मेकर या कोई भी एक नया स्टार्टअप अगर कुछ करना चाहता है सो यू कैन यूज दिस। तो हमने क्राउड सोर्सिंग से किया, लाइक वी हैव मेकअप पार्टनर, वी हैव ट्रैवल पार्टनर, वी हैव फूड पार्टनर। बट इनिशियली एक जो फंड चाहिए था, सो देन ये आइडिया आया था jawwala.com से, एंड वी गेट द सपोर्ट फ्रॉम jawwala.com। अपेरेंटली जहां हम जिस प्लेटफॉर्म जिस प्रोडक्शन में द बॉक्स स्टूडियो, वो कई सारे कॉर्पोरेट ईवीज या कॉर्पोरेट वर्क्स भी करता है, तो वहां का एक इनिशियल फंड हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। So, अब लोग ये भी पूछते हैं कि बस प्रॉफिट कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। सो वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर अ प्रॉफिट, बट एट द एंड ऑफ दैट जहाँ कॉमर्स इन्वॉल्व है हम रिटर्न्स की बात जरूर करेंगे। सो है एक लेवल का रिटर्न है जो हमें हेल्दी मिल जाता है, बट फॉर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द कंटेंट एंड द क्रिएशन एंड द क्वालिटी ऑफ। एग्जैक्टली अभी ने आपको नहीं लगता कि आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और काफी ऐसे यंग टैलेंट है जो आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं? वेब सीरीज है और एक ग्लोबल इसका प्लेटफॉर्म है, तो खासतौर पर भोपाल और हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जो इस तरह के राज्य हैं, वहाँ के युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए जुड़ने की बात है तो चाय स्टोरी हमेशा से ओपन रहा है सब चीज के लिए, आर्टिस्ट से लेके जो भी एक आर्टिस्ट है जिसके अंदर कोई भी कला हो उसके लिए चाय स्टोरी हमेशा से ओपन रहा है। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, भोपाल ले लीजिए, MP ले लीजिए, होल MP, आंध्र के लोग, कई सारे लोग हमसे जुड़े हैं जो कि हमारे साथ में काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स किए साथ में। तो चाय स्टोरी में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों ने चालू किया है तो सिर्फ इतने लोग ही रहेंगे, इतने लोग काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें भी जरा थोड़ा भी टैलेंट है तो चाय स्टोरी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो आके अपना टैलेंट शो कर सकता है, फिल्मों के माध्यम से, चाहे वो एक एक्टर हो, चाहे वो कोई एडिटर हो या कुछ भी स्क्रिप्ट राइटर कुछ भी हो, वो चाय स्टोरी में कैसे भी ज्वाइन कर सकता है। चाय स्टोरी ओपन है सबके लिए। एक चाय स्टोरी के बारे में और ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आपका हमने देखा है वो बहुत ही एट पार विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, काफी करीने से आप लोग ये सब बनाते हैं। तो ये जो क्योंकि आप इस सब ट्रेनिंग आपने ली है इस सब चीज की, क्योंकि इसमें ऑडियो लाइट्स वगैरह तमाम सारी चीजें होती हैं, ये थोड़ा बताइए किस तरह से आप लोगों ने इसको बनाया है? सर जैसे कि मैंने कहा कि एक जॉब की तरह ग्रेडेशन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन। तो हमारे लिए टचवुड ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं और हमारे जो मेंटोर हैं मिन्हास अब्दुल्ला सर, इवन हमारे जो सीनियर है देवेश गौतम एंड आकाश सर एंड KD सर, सो इन सबके गाइडेंस और डेडिकेशन सबका एक लेवल का रहता है। कि अगर देवेश सर सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वो हमेशा वर्कशॉप्स में जाते रहते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स से मिलते रहते हैं। अगर आकाश सर एडिटिंग कर रहे हैं तो वो भी रिव्यू करते रहते हैं कि नया क्या हो रहा है, इस सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन क्या है, या मैं कैसे इसको एडिट कर सकता हूँ, या साइड लाइन में मैं क्या नया ट्रीटमेंट ला सकता हूँ। तो वो सबका एक मोटो रहता है। एंड अपेरेंटली हम लोग क्योंकि फेस्टिवल्स में बहुत जाते हैं, एक चीज मार्क करना भूल गए कि वी हैव 20 अवार्ड्स टिल डेट फॉर ऑल आवर फिल्म्स, नेशनल अवार्ड्स। सो हमें ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलता है, वो शील्ड से ज्यादा हम जिन लोगों को मिल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो हमें कई सारे रिव्यूज मिले, आशीष कुलकर्णी, ही इज एक्स सीईओ ऑफ बिग एनिमेशन और फिक्की AVGC के चेयरमैन है अभी, उनसे हमें गाइडेंस मिलता रहता है। कई सारे बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं, तो उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। अगर आप हमारी पहली फिल्म देखें यमराज, तो वो एक हैंडी कैम पे बनी थी, एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ सिनेम कैमरा, लाइक 4K हम लोग यूज कर रहे हैं।
तो बस यही है सर, अपग्रेडेशन वहां से आया है और एक जुनून है सर सब में कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है. अगले 10 साल बाद हम लोग खुद को एक ऐसे मकाम पे देखना चाहते हैं कि हम लोग जो हमारे जूनियर्स हैं या जो आने वाले फिल्म मेकर्स हैं वो कहें कि हाँ दे आर डूइंग समथिंग गुड और कुछ ना कुछ एक कंस्ट्रक्टिव चल रहा है. राघव अंजलि और अभिनय वेब सीरीज आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है, 150 से ज्यादा आप लोग शॉर्ट मूवीज ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें एक्ट कर चुके हैं और तमाम 20 अवार्ड्स आप ऑलरेडी आप अपनी झोली में डाल चुके हैं. तो क्या आगे क्या क्या आप अपनी सीरीज को टीवी पर लेके जाना चाहते हैं और आप लोग सिल्वर स्क्रीन पर यानी कि बॉलीवुड में भी दस्तक देना चाहते हैं और सिर्फ फ्यूचर है? सर जैसा कि हमने डिजिटली स्टार्ट किया था तो हम इसे डिजिटली ही रखना चाहेंगे, हमारा कोई टीवी तक ले जाने का इसे मकसद नहीं है. क्योंकि आजकल टीवी का ट्रेंड पहले था, जैसा कि मैं फ्रेंकली कहूँ कि टीवी का ट्रेंड पहले था, पहले लोग देखते थे जब कुछ इंटरटेनमेंट के साधन कम थे, पर अब मैक्सिमम लोग आप कोई भी एज के देख लीजिए, यूथ ही नहीं सारे बड़े भी बुजुर्ग बड़े बच्चे आजकल हर डिजिटल का वो सहारा ले रहे हैं. मतलब डिजिटल एंटरटेनमेंट का मतलब बहुत बड़ी चीज बन रही है आजकल, तो हम डिजिटल भी रखना चाहेंगे इसे ताकि जिसे कहीं भी थोड़ा सा भी वक्त मिले तो डिजिटली ये देख ले. इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि हमारी सीरीज इतने से इतने बजे तक ही आएगी जैसे कि टीवी सीरियल्स में होता है, कोई एड नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो आपको जब टाइम फ्री मिले कहीं भी आप तो उसे देख सकते हैं आप हमारे जिस ऐप पे आ रही है, जैसे नेक्स्ट जी टीवी की ये ऐप पे आ रही है वेब सीरीज, हमारे वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, तो इन सब पे आप कभी भी किसी भी आधी रात को किसी भी जरा सा 5 मिनट के टाइम में भी आप देख सकते हैं सारी चीजें. और खास बात ये भी कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर कोई यूएस में भी है, कोई यूरोप में है या कोई किसी भी अदर कंट्रीज में भी है, वो आपकी जो सीरीज है उसको वहां पर देख सकता है. डेफिनेटली वी आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम न्यूयॉर्क, हमें यूएई से कॉल्स आते हैं, हमें कई सारे अदर कंट्रीज से कॉल आते हैं, तो अच्छा लगता है कि हम लोग इतने एक वास्ट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं. बिल्कुल, नेक्स्ट जी टीवी का आपने नाम लिया कि ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है और किस तरह से वर्क करता है? नेक्स्ट जी टीवी जो एक IPTV ऐप है और वेबसाइट है, तो नेक्स्ट जी टीवी से हमारा ताल्लुक हुआ था कि हमारी कुछ फिल्में पहले नेक्स्ट जी टीवी पे चली थी, मतलब उनकी ऐप पे आई थी, उसके बाद हमने यूट्यूब के बजाय हम क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हमारा कंटेंट था यूट्यूब पे और डेफिनेटली हम यूट्यूब पे आगे भी करते रहेंगे, तो हमने सोचा कि कुछ IPTV क्योंकि ऐप का भी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट है, मतलब ऐप पे लोग तुरंत ऐप डाउनलोड किया ऐप पे जाके इजीली देख सकते लोग, उसमें भी कुछ बाउंडेशन कुछ वो नहीं, डाटा भी कम लगता है शायद, तो ऐप से हमने ये इसलिए नेक्स्ट जी टीवी से हमने कॉन्टेक्ट किया था, तो नेक्स्ट जी टीवी के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ और उस पर वेब सीरीज चल रही है अभी, हमारी अच्छी खासी रिस्पांस भी आ रहा है. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और काफी जगह आप लोग जो है छाए हुए हैं, काफी अवार्ड्स आपने ऑलरेडी ले चुके हैं. इस सीरीज का जो अगली जो जो मकाम रहेगा, अगला जो पायदान रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा? 80 प्लस जॉब सीकर सर, नेक्स्ट जी टीवी के बाद ये यूट्यूब पे आएगी जाहिर सी बात है, बट वहाँ पे कुछ दिन के लिए एक्सक्लूसिव है कि हमारी जो एक्सक्लूसिव ऑडियंस है वहाँ की जो UAE की वो देख ले, दिल्ली की देख ले, मुंबई की देख ले, है ना. देन यूट्यूब पे हम लोग इसको टारगेटेड रीच पे जा रहे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सेंट्रल इंडिया से MPCG से, हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ की जो एक कोर ऑडियंस है जो डाउनलोड नहीं कर पाई है अभी तक, तो उनके लिए हम लोग इसे फ्री करेंगे. एंड अपेरेंटली हम लोग कुछ कॉर्पोरेट रिलीज भी प्लान कर रहे हैं इसकी. अच्छा, आपके काफी क्योंकि एक्टिंग के जो दीवाने जो लोग काफी होते हैं, भोपाल भी एक्टिंग का हब बनता जा रहा है, काफी बड़े बैनर्स की मूवीज यहाँ पर शूट हो रही है, तो एक बड़ी एक जिसे कहते हैं नर्सरी जो है एक्टर्स की और एक्ट्रेस की यहाँ पर बनती जा रही है. आपको लगता है कि अब आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है, उन लोग को भी आपको स्थान देना चाहिए, लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, आई मीन जैसा कि अभिनय सर ने बोला कि ओपन प्लेटफॉर्म है, कुछ चीजें हम लोग जरूर मार्क करते हैं कि हम लोगों को कॉल आते हैं कि हमें एक्टर बनना है और दैट गाय उसको ए से लेके जेड तक कुछ नहीं पता है, तो हम चाहेंगे कि वो डेडिकेशन, क्योंकि एक्टिंग एक अलग तरह की सर कला है, आप रिपोर्टर हैं सर, आपने सालों मतलब इतना काम किया, आपने एक एक्सपीरियंस लिया, तो हम चाहेंगे कि वो लर्निंग करें, थिएटर्स जाए, नए प्ले देखें, इंटरनेशनल सिनेमा देखें, यहाँ का जो रेगुलर सिनेमा, मैं किसी को बायस नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छा है, बट वो सिनेमा देखें जो उनके काम है, जिसमें वो खुद की एक्टिंग को निखार सकते हैं, है ना. सो डेफिनेटली थोड़ी सी एक ट्रेनिंग के अगर करके आए वो, सो इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, हम लोग सबको इनवाइट करते हैं. देयर आर फिल्म मेकर्स जिन्हें फिल्म्स बनानी थी जिनके पास फंड्स नहीं थे, तो चाहे स्टोरी ने को प्रोड्यूस किया उनके कंटेंट को, कई सारे चेन्नई से हैं, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके फिल्म बनाई है, वो फिल्म्स नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में चल रही है. जॉब स्टोरीज एक बहुत ही नया कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें आप लोगों ने नए तरीके से काम किया है, बहुत ही हॉट इशू भी है आजकल के जमाने का. क्या इस तरह के और भी नए ऐसे इश्यूज हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर चाय स्टोरीज वर्क कर रही है, काम कर रही है? जैसे कि मतलब इश्यूज तो है, कई सारे इश्यूज है, जैसे कि अपने इंडिया में कह लो या कहीं भी कह लो कि एक कुछ चीज खत्म होती है तो दूसरी नहीं आ जाती है, जैसे अभी रिसेंटली कुछ चीजें हुई बड़ी बड़ी, तो इश्यूज तो ढेर मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं हो जाते हैं,
तो हम उसी पे वर्कआउट करते रहते क्योंकि स्टोरी फॉर्म में इशू को वो किया जाए, ना कि कोई स्पूफ रहे, ना कोई प्रैंक या इस टाइप की कोई चीजें आज तक हमने ना की है, ना हमारा प्लान है करने का आगे। तो एक स्टोरी वाइज जो हमारा कॉन्टेंट एक स्टोरी वाइज निकले, तो ऐसे कई ढेर सारे इशूज है जैसे कि मैं अभी बोलना तो नहीं चाहूंगा, पर आप अगर चाय स्टोरी को फॉलो करते हैं, चाय स्टोरी को देखते रहते हैं, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। और अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही रहेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, इसको एक ट्रेड सीक्रेट है अभी जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन आप तीनों से बिल्कुल मैं साफ कहूंगा कि आप तीनों से बात करके जो एनर्जी मैं खुद फील कर रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर देख रहा हूँ, दैट्स रियली रिमार्केबल। और जो कंसेप्ट में आप लोग काम कर रहे हैं, खास बात यह है कि इतनी कम उम्र में काफी गंभीर मुद्दों को लॉजिकल एंड तक आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू दिस पॉइंट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हु इज योर आइडल, थ्री ऑफ यू वन बाय वन। आइडियल अगर बात करें तो आई रियली डोंट नो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ तीन लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली है, मैं शुरू से लेकर आखिरी तक। देन वन एक नाम मैं लेना चाहूंगा, नफीस हुसैन, इज अ मैजिशियन जो मेरे मेंटोर रह चुके हैं। द सेकंड वन इज मिनहाज अब्दुल्ला, अगेन मेरे मेंटोर रह चुके हैं। एंड सत्येंद्र सिंह चौहान जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है। तो दीज आर द थ्री मेंटोर्स जिन्होंने मेरी शुरू से लेकर आज तक की जर्नी को काफी चेंज किया है। सो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछें तो यही है मेरे आइडल, इनके अलावा कोई नहीं है। आइडियल कहा जाए, ऐसे अभी तक मेरे करियर में ऐसा कोई मेन पर्सन नहीं है जिसने मुझे पॉपअप किया हो लाइक कि अरे अंजलि तुम्हें ये करना हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि तुम आगे बढ़ो। अगर एज अ आइडियल मैं देखूँ तो बॉलीवुड में ऐसे कई एक्ट्रेस हैं जिनकी मैं पागल हूँ, जिनकी एक्टिंग को देख के बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, जैसे करीना कपूर हुई, बहुत प्यारी दीपिका पादुकोण, एकदम नई तरह की एक्टिंग जो हुई, नेचुरल जिसको बोला जाता है, बहुत प्यारी एक्टिंग है उनकी। उनको फॉलो करती हूँ मैं, देखती हूँ, सीखती हूँ, समझती हूँ और वही सब करने की कोशिश करती हूँ जिसका रिजल्ट आपके सामने है। 18+ जॉब सीकर्स बहुत प्यारी चीज़ है जो मैंने की है अभी, और इन लोगों के साथ काम करके काफ़ी मज़ा आया। और देखती हूँ आगे कौन ऐसा मिलता है जो मुझे, जिसे मैं अपना आइडियल कह सकूँ पर्सनली। आइडियल सर वैसे ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है, जैसे इन लोगों ने भी कहा कि लोग एक्टर का नाम लेते हैं, डायरेक्टर का नाम लेते हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स का नाम लेते हैं, नो डाउट वो गलत नहीं है, मतलब लोगों के रहते हैं आइडियल्स जो फॉलो करते हैं लोग शुरू से उन्हें, पर मेरा ऐसा कोई आइडियल नहीं है। मैं मतलब एक जो हमारे टीम मेंबर भी है, जो पर्सनल लाइफ में भी जितने लोगों से मिलता हूँ, जितने को देखता हूँ स्क्रीन पर, सब सारी जगह छोटी छोटी चीजें लोगों से सीखने को मिलती है, बस वही एक आइडियोलॉजी का काम करती है कि छोटी छोटी चीज, भले हमारी टीम का न्यू मेंबर हो या कोई हो, भले शुरू से साथ में हो, उनसे एक भी 1% चीज भी सीखने को मिलती है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि हर किसी की फैमिली रहती है एक आइडियल, कि शुरू से बचपन से फैमिली के साथ रह रहे हैं, फैमिली फादर रहता है, आइडियल मदर रहती है, नो डाउट वो भी आइडियल है। और आम जिंदगी में भी, निजी जीवन में भी जितने से सीखने को मिलता है, जितने लोगों को देखता हूँ, लोगों का स्ट्रगल देखता हूँ, तो बस उसी से सीखता हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर आइडियल तो नहीं है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। तो चाय की चुस्कियों के साथ शुरू हुआ एक कंसेप्ट चाय स्टोरीज अब 150 से ज्यादा शॉर्ट मूवीज बना चुका है, 20 से ज्यादा अवार्ड्स हासिल कर चुका है, उनके एक्टर और एक्ट्रेस यहाँ पर बड़े ही कॉन्फिडेंटली यहाँ पर जवाब भी दे रहे हैं और हमसे सवाल भी कर रहे हैं और कई नए इश्यूज पर भी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पूरी जो एनर्जेटिक टीम को इंडिया फर्स्ट की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और 18+ जॉब सीकर्स एक नया कंसेप्ट है, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो जॉब को स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जॉब पाना भी चाहते हैं और जॉब पर सस्टेन भी करना चाहते हैं। आप सभी के लिए 18+ जॉब सीकर्स एक संजीवनी साबित हो सकती है, इसलिए हम आपसे कहेंगे 18+ जॉब सीकर्स के तमाम सीरीज के तमाम जो एड्स हैं, तमाम जो इनकी फिल्में हैं, शॉर्ट मूवीज हैं, उसे आप जरूर देखें। और चाय स्टोरीज की पूरी टीम को इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। तो नहीं जा रही है, मतलब नहीं जा रही है। और विकी को बताएं, तुम्हारे साथ एक सिक्योर लाइफ घंटा सो सकती हूँ मैं। तो बैठे क्या करो, 5 मिनट जो रुके ना तो ब्याज बढ़ता जाएगा तुम लोगों में। अभी बच्चे ना तो एक लापर दूंगी।